और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो ना तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लिया करें और मेहरबानी फरमाकर इसको शेयर भी कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज कितने दिनों के बाद धूप निकली है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड फाइनली मेरा साया इज़ बैक। बहुत लंबा नहीं हो गया? सो आई हैव रीच्ड ऑफिस और आज थोड़े छोटे छोटे से काम हैं, कुछ वीडियोज़ अपलोड करनी है, फिर उसके बाद मार्केट का सोच रही हूँ जाने के लिए कि मार्केट चली जाऊँ एक बार, कुछ चीज़ें हैं वो लेने वाली हैं तो वो ज़रूरी है जाना। मार्केट से होकर आती हूँ 16 को, मैंने लाहौर जाना है। 17 को मेरा वाइवा है, सो आई डोंट नो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद मैं लाहौर में होंगी या नहीं होंगी, आई रियली नो आइडिया। सो मुझे नहीं पता, फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, कब मिलूँगी, शायद जब निकलूँगी मार्केट के लिए शायद तब मिलूँ। सो तब तक के लिए मैं मार्केट जाने के लिए जो हूँ वो रेडी हो चुकी हूँ, निकल रही हूँ मार्केट के लिए। मिलते हैं आपको एक मार्केट में जा कर के, कि आज मुझे चीज़ें जो चीज़ें लेनी है उस पेपर ही ऊपर भूल आई हूँ मैं लेकर के आई। खुला है दरवाज़ा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जनाब मुल्तान में बारिश हो रही है। यस, मुल्तान में बारिश हो रही है सुबह सुबह, और अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही थी, अभी आई है लाइट। तो मैं भाग रही हूँ ताकि रेडियो जो है वो ऑन किया जा सके, और जल्दी जल्दी से भागूँ ताकि बारिश ना शुरू हो जाए। मेरे पास छतरी भी नहीं है, आज जाना है मार्केट तो लेकर के आती हूँ। और बाकी की जो प्लानिंग है, जो भी मेरा काम शाम है, वो मैं आपको चल के बताती हूँ। आज मेरा डे जो है थोड़ा सा बिज़ी गुजरने वाला है, आज भी और शायद कल भी, क्योंकि परसों मैंने जाना है लाहौर, वाइवा है मेरा उसके लिए। सो अब एम्बेस इन्जॉय करें। गीला गीला मुल्तान, मैं काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग जो है ना वो नहीं कर रही थी, एज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू व्लॉग एनीथिंग। थोड़ा बिजी भी थी, मसरूफ़ भी थी, रिकॉर्डिंग्स और फिर वो एडिटिंग वगैरह का काम था, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। यार आप लोगों के भी ऐसे होता है क्या, ये अगर आपको शो हो रहा हो तो?
इस तरह से आपको भी होता है क्या? ज़रा सा कोई ड्राइनेस हो जाती है या मौसम थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो एकदम से ये जो चीज़ें हैं ना मेरी होने लग जाती हैं। हम लोग, मुझे याद है हम लोग गए थे उमरा करने के लिए ना 2016 में, तो मुझे वहाँ के मौसम के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था कैसा होता है, और वो बहुत ही ड्राई मौसम है वहाँ का, चाहे मक्का में हो या मदीना में हो। मदीना में सुबह के टाइम में थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है, सुबह के टाइम में फजर के वक्त में या 3 से सुबह 5 बजे के दरमियान में ना काफ़ी वो खुनकी सी होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उसकी वजह से शायद। तो वहाँ पे गई मैं, और जाते ही जैसे ही एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे और होटल पहुँचते तक मेरी ये इतनी गंदी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था मुझे। और मज़े की बात, मैंने नेल कटर रखा था और मुझे नेल कटर ही नहीं मिला मेरा, कि मैं कहाँ से निकालूँ क्या करूँ। फिर कैसे भी करके मुझे नेल कटर जो है ना वो जाके बाय करना पड़ा, और पता मैंने कितने का ख़रीदा था? नेल कटर मैंने ख़रीदा था 100 दरहम का। कैन यू बिलीव दिस, 100 दरहम का मैंने नेल कटर ख़रीदा था। नहीं, शायद मैंने 100 दरहम 2-3 चीज़ें ख़रीदने पे लगाती थी। नेल कटर की मुझे एग्जैक्ट जो प्राइस है ना वो नहीं याद, पर एक फेस वॉश लिया था मैंने, तो उसमें मेरा लग गया था 100 दरहम ना। एक नेल कटर लिया था, एक फेस वॉश लिया था, और मैंने पता नहीं क्या लिया था, तो उसमें मेरे 100 दरहम लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने इतनी कंजूसी की, इतनी कंजूसी की, मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था बाय द वे, और मेडिकल स्टोर पे इतना महंगा मिलेगा मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था। अभी सुबह आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश बारिश लगी हुई थी, और अभी देख लें कैसे धूप निकली हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, पीछे से शोर हो रहा बहुत ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, ज़रा मैं चेज़ वैल्यू जा रही हूँ। चेज़ वैल्यू में मुझे अपने भांजे के लिए जो है ना गिफ्ट लेना है, क्योंकि उसका बर्थडे गुजरा है 5 नवंबर को, और मैंने अभी तक उसको गिफ्ट नहीं दिया। लाहौर जा रही हूँ तो जारी से बात है उसके मैसेजेस आ रहे थे, माशी मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आना वरना मत आना। सो अब घर जाना है तो उसके लिए गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। सो मैं चलती हूँ मार्केट, और मार्केट चल के देखते हैं मैं उसके लिए क्या ख़रीदती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज मौसम काफ़ी अच्छा अच्छा सा है, वो बारिश लगी हुई थी दोपहर में, इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी। मैं मार्केट तो गई थी बट लोग को कंटिन्यू नहीं करवाई थी, फिर जल्दी जल्दी से बस जो लेना था वो लिया। अभी जाके दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया, और फिर आपसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, सीधा मैं ऑफिस ही आ गई, थोड़ा काम करना था वो किया, क्योंकि परसों मुझे निकलना है लाहौर के लिए, तो जितने भी काम है वो मैंने आज या कल में जो है वो ख़त्म करने हैं, बहुत ज़रूरी है ख़त्म करना, अगर नहीं करूँगी तो वो फिर पेंडिंग रह जाएंगे, पीछे कोई करने वाला नहीं है। सो दिस इज़ द डिलेमा ऑफ माई लाइफ नाउ डेज, और आज मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ हर चीज़ में, ऐसे लग रहा है जैसे भूलती जा रही हूँ कि मुझे क्या करना था, कैसे करना था, ये काम करना था, वो काम करना था। अभी मैं इतनी पता नहीं अजीब सी हो रखी हूँ, मुझे टेंशन ही लेनी है, मुझे जाना है बस, और जाके फिर वापस आना है, क्योंकि काम अभी पड़े हुए बहुत सारे करने वाले हैं, जो शुरू किया उसको ख़त्म तो करना ही करना है ना। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बता दिया करें, और साथ ही साथ में क्या करें मिला लाइक भी कर दें, है ना।
चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक शाजा सही को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।